तो दोस्तों काफी देर बाद माँ के पास आ चुकी हूँ। मम्मी कैसा लगा था आगे? नहीं तो ठीक लगा था। हेलो दोस्तों, मैं सिंगर ममता चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ। और दोस्तों स्वागत है आपका सिंगर ममता चौहान यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों देख सकते हैं हम लोग तैयारी करके चल रहे हैं मऊ। दोस्तों आज चल रहे हैं हम लोग मऊ ममता के घर पे, काहे कि थोड़ा दिक्कत है और इनके बुआ जी का तबीयत खराब है, सही है ना। और दोस्तों दो दो चीज़ है, कल उनके घर पे शादी है और उनकी इनकी बुआ जी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो दोस्तों हम लोग वहीं पे चल रहे हैं और आप लोग बने रहिए। अभी दोस्तों कुछ खाए पिए नहीं है, रास्ते में खाते पीते चलते हैं और किस तरह से हमारा सफ़र कटता है हम आप सबको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग आते आते रास्ते में दीदी का घर पड़ा है, तो यहाँ पे आए हैं। ये मेरी दीदी है और ये मेरा बाबू है। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत मेहनत का लड़का है, चार बहनों में से एक भाई है सबसे छोटा। अच्छा, ता एक बात बोली हो। हाँ। बहुत मेहनत का लड़का है, मतलब मेहनत बहुत पूजा पाठ मानने के बाद हुआ। अच्छा, हर इंसान अपने बच्चे के लिए वही मेहनत करता है जो दीदी की है, ठीक है। तो भगवान भी होते हैं, कभी किसी को लेट देते हैं कभी किसी को पहले दे देते हैं। तो बाबू बहुत ही कीमती है और पुत्र रत्न बहुत मेहनत से बहुत भाग से मिला है। तो आप लोग दुआ करिए कि अच्छे से रहे। अब देखिए कितना हंस रहा है हमारी युवराज की तरह। ओए ओए पापा डांस भी करता है। आए 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 आए। दोस्तों काफी चंचल बच्चा है ममता, कुछ सोचो। देखिए दोस्तों कितना खेल रहा है बाबू। तुम्हारा भी समय आएगा बाबू कभी। और दोस्तों बैक कैमरे से देखिए उधर मम्मी खड़ी हैं। थोड़ा बैक से लाइट आ रही है, दिक्कत हो रहा है ममता। हाँ। समय तुम्हारा भी आएगा बच्ची। आएगी ना दीदी? हाँ। परेशान ना हुआ तब समझ में आई। बाबू को लेके चली जा घरे। चलो अभी दोस्तों हम लोग कहाँ चल रहे हैं? मम्मी के घर। अभी दोस्तों हम लोग चल रहे हैं मऊ में पांसा, वहाँ पे मम्मी काफी देर से इंतजार कर रही हैं। और कॉल भी आया था। कॉल भी आया था, क्या बोल रही थी? कब तक आवेगी? आज ममता कितनी खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी। चलिए दोस्तों असली खुशी तो मम्मी है, हम लोग मम्मी के पास चलते हैं। का भाई का कहा था दीदी? मम्मी उधर खड़ी हैं ऐसे भी का कहा था दीदी? मम्मी के कहत रंगे दिक्कत ना रंगे। अच्छा तो चलिए दोस्तों असली खुशी के पास चलते हैं जिनके लिए ममता आई है। मेन मतलब मेन कारण है मम्मी से मिलना, तो मम्मी से मिलने आई है और काफ़ी दिक्कत है। तो जो भी होगा हम दिखाते चलते हैं और बने रहिए आप लोग। तो दोस्तों काफ़ी देर बाद माँ के पास आ चुकी हूँ। मम्मी कैसा लगा था आगे? नहीं तो ठीक लगा था। क्या बना होता लू? आई है सब्जी भात रोटी ये न बनी। और मम्मी पूछे थे कि क्या बना हुआ था, वाह की ना कि रोटियाँ बना दी। हाँ रोटी बनाए के बजाय पूछा दिन का बनावा था, बताओ ऐसे रहो ममता। तो डेढ़ दिन बाद आई नहीं है तो मम्मी क्या थे कि खाली बड़ा नीक लगे खाना। सही बात है। दोस्तों माँ के ऊपर एक शायरी है कि छुपा के आंखों में आंसू हमें वो प्यार देती है, छुपा के आंखों में आंसू हमें वो प्यार देती है। और मेरी माँ को गिनती नहीं आती है मगर आज भी रोटियां एक मांगता हूँ हमें अभी भी चार देती है। तो कैसा लगा ये शायरी आप लोग कमेंट करके बताइए। और दोस्तों मम्मी से मिले काफी अच्छा लगा, एक माँ को छोड़ के एक माँ मिली, तो आना जाना लगा रहता है। इस मम्मी के पास आते हैं कभी उस मम्मी के पास जाते हैं, हम लोग तो बीच के हैं। बाकी अपना परिवार है, वहाँ पे परिवार है और यहाँ पे परिवार है, क्योंकि जब किसी के साथ संबंध जुड़ जाता है तो वहाँ का भी परिवार अपना हो जाता है और वहाँ का भी परिवार तो परिवार ही रहता है। तो यहाँ का परिवार हमारा परिवार है, वहाँ का परिवार ममता का परिवार है, सही ना ममता? हमारा परिवार परिवार है ना। आए तो दोस्तों माँ के लिए एक छोटा सा कमेंट जरूर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।